हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। सामर्थी परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आज की सुंदर इस शाम की प्रार्थना में एक बार फिर से मैं सभी उन प्रिय मसीह और प्रभु 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 तेरे पास में लेकर आता हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मेरे प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने प्रभु जी ओ धन्यवाद के बलिदानों से आज प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु जी। विशेष आज मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु। आज हर एक प्रिय भाई बहन जितने लोग प्रभु आज प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, विशेषकर उनके जीवन को, उनके लाइफ को, उनके आज जिंदगियों को प्रभु मैं तेरे हाथों में, मैं तेरे आज कंट्रोल में देता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया 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 यस 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 प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड। ओ यीशु के लहू की जय, ओ स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है कहा मेरे प्रभु जी, ना तो बल से ना तो शक्ति से लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, ओ लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य द्वारा। हे प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ। महिमा की योग्य, आराधना की योग्य, तारीफ की योग्य प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु पूरे मसीह प्रभु हम तेरे पास में लेकर आते हैं, वो पूरे जन को प्रभु मैं तेरे निकट में लेकर आता हूँ। आज जितने भी मसीह प्रभु तेरे पास में बैठे हैं पिता मेरे प्रभु, मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ। आज होने दे पिता मेरे प्रभु जी, आज स्वर्ग के सिंहासन आज एक एक भाई और बहनों के लिए प्रभु जी आज खुलने लगे पिता। विशेषकर जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर दृष्टि किया है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया कहा मेरे प्रभु। विशेषकर आज प्रभु सुंदर शाम के बेला में आज धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कोई चुप मत रहो मेरे प्रियो। प्रभु यीशु आपकी जिंदगी को बचाया है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आपके सब कष्टों को दूर करता है, आपके सारी बीमारियों को, आपके सारी कमजोरियों को वो परमेश्वर ठीक करता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों वो चिंता ना करें, वो चिंता ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो प्रभु से मांगें। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, ओ प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। ओ धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड मेरे परमेश्वर पिता, तेरी आशीष और तेरी बरकत, तेरी सुरक्षा और रक्षा हर एक जन के साथ बनी रहने पाए पिता मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके दया और प्रेम के लिए प्रभु, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके बरकतों के लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 यस 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 यस। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर, बचाने वाला प्रभु जी, आशीष और शांति देने वाला, बरकत देने वाला मेरे प्रभु जी। आज कितने ऐसे मसीह भाई बहन जो नाश हो गए पिता, लेकिन आज मैं जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर दृष्टि किया है, आज जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर भरोसा रखा है मेरे प्रभु, आज हम पूरे दिल से, आज हम पूरे मन से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर जो आज टूट चुके हैं, जो आज विशेषकर आज थक चुके हैं, विशेषकर आज जो परेशान हो चुके हैं प्रभु यीशु, आज अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर, आज अपने लहूलुहान हाथों को बढ़ाकर हे मेरे परमेश्वर, आज स्वर्ग के झरोखे खुल जाए उनके लिए और स्वर्ग के झरोखे खुलने लगे। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ मैं, ओ मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ। आज होने लगे प्रभु, होने लगे यस 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 यस। आज उनके जीवन में बदलाव आने लगे प्रभु, उनके जिंदगी बदल जाए। मैं प्रभु कई ऐसे मसीह भाई जो प्रभु आज जो इधर उदास है, निराश है, थक चुके हैं, परेशान है पिता, वो बीमारी में है, गरीबी में है, अंधकार में, अंधकार की योजनाओं में, अंधकार की शक्तियों में पाए जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन खुदावंत तेरे सामर्थ, ओ लेकिन खुदावंत तेरे सामर्थ आज उनके जीवन में काम करेगा, ओ लेकिन खुदावंत तेरे सामर्थ उनके जीवन में काम करेगा, हर अंधकार की शक्तियां तेरी जिंदगी से दूर हटाएगा, परमेश्वर आज छुएगा, ओ परमेश्वर आज तुझे बरकत और आशीष देगा, परमेश्वर तेरी जिंदगी में, ओ परमेश्वर तेरे लाइफ में वो सारे कष्टों को दूर करने वाला है। इसलिए डर मत, प्रार्थना कर, केवल तू प्रभु से प्रार्थना करेगा, मांगेगा, सब कुछ आज तेरी प्रार्थना के द्वारा होगा, ओ सब कुछ आज तेरी प्रार्थना के द्वारा होगा, वो सारे बंधन खुल जाएंगे, वो सारे समस्या हट जाएगा, वो सारे मुसीबतें दूर होने लगेंगे। चिंता मत कर, यस 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 प्रार्थना कर मेरे प्रिय मसीह भाइयों, वो प्रार्थना करो प्रभु से, मांगो मांगो मांगो, आज प्रभु के सम्मुख में गड़गड़ाओ, रो, पश्चाताप करो। आज जो भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा, जो भी व्यक्ति पश्चाताप करेगा, जो भी व्यक्ति प्रभु के सम्मुख में अपनी सारी प्रार्थना को रखेगा, मेरे परमेश्वर आज उनको छुएगा, ओ मेरा परमेश्वर उनको टच करेगा, उनके जीवनों को, उनके परिवार को, उनके हर स्थिति और परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु के लहू की जय मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि किया है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया कहा मेरे प्रभु। और आज के सुंदर शाम के बेला प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक उन प्रिय बेटा
बेटियों के लिए, एक एक उन प्रिय मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मेरे महान परमेश्वर दया कर प्रभु, मेरे महान परमेश्वर दया कर, छू ले प्रभु, टच कर टच कर टच कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रक्तम जयम मेरे महान परमेश्वर दया कर प्रभु, दया कर दया कर। होने दे परमेश्वर आज, होने दे परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर भरोसा रखा है, जिन्होंने प्रभु आज आपके ऊपर भरोसा रखा है, आज उनके जीवन में, आज उनके परिवार में, आज उनके घर में, आज उनके मोहल्ला में परमेश्वर आज बड़े स्वर्ग से आशीष और बरकत को देने जा रहा है। ओ स्वर्ग से उन्नति को देने जा रहे हैं परमेश्वर, ओ स्वर्ग से बड़े बदलाव को परमेश्वर देने जा रहा है। हे परमेश्वर आज दया कर पिता, हे परमेश्वर आज दया कर प्रभु, छू ले परमेश्वर, टच कर टच कर टच कर। हे परमेश्वर के नाम से आज प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आज हर एक जन की जिंदगियां, हर एक जन के परमेश्वर जो है आज कह रहा है कि मैं तेरे परिवार से, मैं तेरे घर से वो सारे दुखों को, वो सारी चिंताओं को, वो सारी मुसीबतों को, वो सारी प्रॉब्लमों को आज मैं दूर करने जा रहा हूँ। यस 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 यस। प्रार्थना करो प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो मांगो मांगो। प्रभु के सम्मुख में अपने सारी विनती को रख दो, प्रभु के सम्मुख में अपने सारी चिंताओं को रख दो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो मांगो मांगो। यस मेरे परमेश्वर पिता के नाम से आज सभी लोगों को आज परमेश्वर आज बड़े बदलाव को देने जा रहा है। प्रभु यीशु आपके लिए उपाय करेगा, हो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आपकी जो है जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जो है हर एक प्रार्थना को, आपकी जो है हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर आज पूरा करने जा रहा है। मेरे प्रियजनों ध्यान से प्रार्थना को सुनो, मन लगाकर प्रार्थना को सुनो। कई बार क्या होता है, आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आपका मन इधर उधर भटक जाता है, लेकिन उस समय आपको जो है प्रभु यीशु मसीह को याद करना है, प्रभु यीशु मसीह से स्मरण करना है। प्रभु यीशु मसीह आपको ही मेरे प्रियो उस दलदल के बीच में से निकाल कर आपको जो है अद्भुत चट्टान में खड़ा किया है, तो आपको डरना नहीं है। मुश्किल से मुश्किल समय में परमेश्वर आपकी जो है सहायता करेंगे, ओ मुश्किल से मुश्किल समय में परमेश्वर आपकी जो है उपाय करेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग और रास्ता खोलेंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इसलिए डरो नहीं, चिंता मत करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो मांगो और परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गड़ाओ, रो पश्चाताप करो, वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ओ चिंता करने वालों के लिए आज कई ऐसे दुख और मुसीबत, चिंता परेशानी और हर प्रकार की जो है तकलीफ, हर प्रकार की जो है मुसीबत रहता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे आज सारे बंधन खुल जाएंगे, ओ सारे समस्या हट जाएंगे, ओ सारे मुसीबतें आज यीशु के लहू में जलकर राख हो जाएगा, ओ यीशु के लहू में जलकर राख हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, ओ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, मांगो मांगो, प्रभु के सम्मुख में सारे प्रार्थना को रख दो, प्रभु के सम्मुख में सारे विनती को रख दो, प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए उपाय करेगा, ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर तेरे लिए आज मार्ग और रास्ता खोलेगा। आज प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दुआ कर रहा है, आज मेरा बेटी बदल जाएगा, आज मेरा बेटा बेटी सुधर जाएगा, मेरे कहना मानेगा, मेरे आज इच्छा और मेरे मर्जी के अनुसार वो चलेगा। आज प्रभु यीशु मसीह की योजना, ओ प्रभु यीशु मसीह का काम आपके ऊपर में प्रकट होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो आगे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम जो है सब सच्चे आज अच्छे से रहो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे बेटा मेरी बेटी वो कोई दुख और कोई परेशानी में ना रहे, लेकिन कई बार क्या होता है आप दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन बीमारियों का, उन जो है सारे अंधकार की शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह से आज मांगो, ओ प्रभु यीशु मसीह से मांगो, प्रार्थना करो, गिड़गड़ाओ, रो पश्चाताप करो, और प्रभु यीशु मसीह के लिए आज तुम मेरे प्रियजनों समय निकालो, प्रभु यीशु मसीह फिर आपके लिए भी समय निकालेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो चाहता है मेरे बेटा मेरी बेटी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में खुशी और आनंद को देखे, वो अपने जो परिवार में शांति को, आनंद को देखे, लेकिन कई बार क्या होता है आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश और हताश होने लगते हैं, लेकिन उस समय में आपको चिंता नहीं करना है, सारी चिंता प्रभु पर डाल देना है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में कहता है, भजन संहिता 128 उसके एक पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा और तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होंगे। सचमुच में मेरे प्रियजनों आज प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आज आपके घर में परमेश्वर बरकत देगा, आज परमेश्वर आपके घर में खुशियों को देने जा रहा है, वो परमेश्वर आनंद और शांति को देने जा रहा है। आज भले आज दुख में हो, निराश में हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा,
परमेश्वर आपके लिए जो है उपाय करेगा, परमेश्वर आपकी जो है हर कमी घटी को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। जितने आज प्रभु के पास में बैठे हो मेरे प्रियो, जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए सुबह शाम भोजन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए सुबह शाम प्रेयर करना पड़ेगा, वो सुबह शाम प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, प्रभु के सम्मुख में रोना है, प्रभु के सम्मुख में पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में आएगा, प्रभु यीशु मसीह तेरे परिवार में आएगा, प्रभु यीशु मसीह तेरे आज घर को बदल देगा, प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में अद्भुत शांति और आनंद को देगा, वो खुशियों को देगा, वो शांति को देगा। परमेश्वर बड़े काम करेगा, परमेश्वर बड़ी योजनाओं को पूरा करने जा रहा है, परमेश्वर अद्भुत शांति को देने जा रहा है, वो निश्चय ही तेरे घर में शांति देगा, वो निश्चय ही परमेश्वर तेरे घर में आशीष और बरकत देगा। विश्वास के साथ प्रार्थना को सुने, विश्वास ही के द्वारा मेरे प्रभु अब्राहम को परमेश्वर ने जो है उस देश में पहुंचाया था, विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया था। मेरे प्रियजनों आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रार्थना करने से पहले विश्वास करना है कि निश्चय ही मेरे लिए जो मांग रहा वो हो जाएगा। मेरे प्रियजनों प्रभु यीशु मसीह 101% आपके लिए करेगा और 100% आप प्रार्थना सुनते ही आप बहुत सारी अद्भुत चंगाई को देखने पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और ये प्रार्थना जिन्होंने सुना है वो प्रार्थना आज अपने जीवन में होती हुई देखने पाए पिता। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।